हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है 10 क्वेश्चन मैथ के देखने वाले हैं, जो कि आपके मिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर एक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित संख्या को 11 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल में जो है सभी 6 अंक 6 हो जाते हैं। यानी कि कोई एक नंबर है, कोई एक संख्या है, अब क्या कह रहा है, जब उसको 11 से गुणा किया जाता है तो जो सभी 6 अंक हैं वो 6 हो जाते हैं। ठीक है, यानी गुणा करने के बाद जो प्राप्त होता है, हमें एक 6 अंक का नंबर प्राप्त होता है और सभी क्या हैं, 6 हो जाते हैं। यानी हमें वो संख्या क्या प्राप्त होती है, ये संख्या प्राप्त होती है 666,666। अब हमसे यही पूछ रहा है, 11 से गुणा की जाने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ए सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 11, देन ऑल द 6 डिजिट्स इन द प्रोडक्ट बिकम 6, फाइंड द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड बाई 11। तो अब आपको क्या करना है, ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा तो 11 से अब इसमें भाग देंगे, तो 11 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 66, यहाँ पे अब हो गया। फिर हम यहाँ से 6 उतारेंगे, क्या 11 से 6 में भाग जाएगा, नहीं तो 0, फिर 6 उतार लेंगे, फिर हमारा 6 बार। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 को उतारेंगे, भाग जाएगा क्या 11 से 6 में, नहीं तो 0, फिर अब हमारा कितनी बार, 6। यानी कि हमारा नंबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 60,606। क्या हो जाएगा, 60,606 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे बांस के खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट बंबू पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम 16 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर ब्रॉड एंड 10 मीटर हाई। तो क्या करना होगा, ये आपका कैसा साइज बन जाएगा, जो हमारा कोई कमरा होता है या रूम होता है वह क्यूबॉइड होता है, यानी कि आपका क्या होता है, घनाभ की तरह होता है। तो हम फार्मूला लगा देंगे, घनाभ में सबसे ज्यादा जो भुजा होगी बड़ी उसका, यानी लंबाई का स्क्वायर, जो आपका लंबाई है एल, और ये कहाँ पे रहेगा, अंडर रूट के अंदर रहेगा, यानी एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। बी क्या है, हमारा विड्थ है, और एच क्या है, कमरे की ऊंचाई है। तो 16 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, 256, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 10 का स्क्वायर करेंगे 100। अब हम इन टोटल को ऐड कर लेंगे, टोटल को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 500। 500 को आप ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 का वर्गमूल लेंगे तो 10 आ जाएगा और हमारा अंडर रूट में आ जाएगा 5। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 कड़ी में 5। नेक्स्ट, 8 व्यक्तियों का औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 45 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, नए व्यक्ति का वजन कितना है। द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्संस इज इंक्रीज्ड बाई 2.5 केजी व्हेन ए न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ द पर्सन हुज वेट इज 45 केजी, व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 8 व्यक्ति पहले भी थे और 8 व्यक्ति अब भी हैं, यानी व्यक्तियों की संख्या में जब परिवर्तन ना हो, तो ध्यान से सुनिएगा क्या चीज हो कंडीशन, पहले जितने व्यक्ति थे उतने ही व्यक्ति अब भी हों। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो व्यक्ति बाहर जा रहा है उसके वेट में, कौन व्यक्ति बाहर गया, 45 केजी वाला बाहर गया, कुल व्यक्ति जितने हैं, मान लीजिए यहाँ 4 व्यक्ति रहते, 6 व्यक्ति रहते, 7, 10, 20, 50, कितने भी व्यक्ति रहते उसको लिख लीजिए, और जो परिवर्तन हो रहा है, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस यहाँ पे रहेगा, ए वाला जो चिन्ह है,
अगर मान लीजिए यही कहता कि कमी हो जा रही है, तब जो व्यक्ति आया है उसका वेट क्या होता, तब हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करते। लेकिन हमारा क्या है, वेट बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लस साइन का प्रयोग करेंगे। हम क्या करेंगे, प्लस साइन का प्रयोग करेंगे। तो 45 + 8 × 2.5, तो हमारा क्या हो जाएगा, 45 + और आपका 20, 45 में 20 जोड़ेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 65 kg आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, 6 और अन्य संख्या के बीच का मध्यानुपाती 30 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 6 एंड द अदर नंबर इज 30, फाइंड दैट नंबर। तो देखिए कह रहा है 6 और अन्य संख्या, मान लिया हमने अन्य संख्या x है, तो मध्यानुपाती निकालने का फार्मूला क्या होता है, देखिए मध्यानुपाती आपको निकालना है, तो क्या करिए, जो भी दोनों संख्या है उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहाँ पे, अंडर रूट में, ये चीज आपको ध्यान देना है, अंडर रूट में मल्टीप्लाई करना है। हाँ थोड़ा वीडियो बना रहे, नित्यानंद अभी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 6 × x हो जाएगा, और हमारा मध्यानुपाती ऑलरेडी हमें पता है क्या है, 30 है, यानी 30 बराबर अंडर रूट 6x। अब क्या करिए, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर 30 का स्क्वायर 900 और अंडर रूट 6x का स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। 6 से कट करेंगे, हमारा x का वैल्यू जब आ जाएगा 150 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बहुत लोग फंसते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। क्या कह रहा है, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 480 मीटर दूरी से देखता है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा पुलिसकर्मी है और यहाँ पे आपका चोर है, स्क्वायर में चोर है, ट्रायंगल में पुलिस वाला है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 480 मीटर। क्या है, 480 मीटर। अब कहता है पुलिसकर्मी जैसे ही चोर का पीछा करना शुरू करता है, चोर भी भागने लगता है। अब चोर ने क्या है, पुलिसकर्मी को देखा, भागना स्टार्ट किया। चोर की चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की चाल कितना है, 19 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिस की चाल कितनी है, 23 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए जब दोनों ही व्यक्ति एक दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चोर कितनी दूर तक भाग चुका होगा। तो देखिए यहाँ पे रिलेटिव स्पीड हम लोग निकालेंगे, 23 में से 19 जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। रिलेटिव स्पीड यानी इस स्पीड से आप पता करिए 480 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम 4 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, यानी 4 × 5/18 का मल्टीप्लाई। किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर पर सेकेंड में बदलना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें 5/18 का गुणा कर देते हैं। तो अब देखिए टाइम निकालेंगे, टाइम बराबर 480/20 × 18, 0 से 0, 2 से कट करेंगे, 24। यहाँ पे हमें क्या पता चल जाएगा, टाइम जो है सेकंड में पता चल जाएगा। 24 का 18 में गुणा करते हैं, 18 × 72 = 2, 7 बचा, 18 × 2 = 36, 7 हमारा हो जाएगा 43। अब आपको बताना है कि चोर जो है, चोर यहां से जो है कितनी दूरी तय करेगा इस 432 सेकेंड में, क्या, तो अब क्या करना है, आपको दूरी निकालना है और स्पीड किसका गुणा करेंगे, चोर की स्पीड का गुणा करेंगे, ठीक है, किसकी स्पीड का, चोर की स्पीड का गुणा करेंगे।
तो देखिए, 432 गुणे 19 गुणे 5/18, 18 से कट करेंगे, 18 दूनी 36, 7 बचा, 18 चौक 72, 24 का गुणा करेंगे 5 में 120 और गुणे 19, 19 से 0, 19 दूनी 38 को 8, 3 बचा, 19 से कम 19, 3 22। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2280। ये हमारा आंसर नहीं है, 2002 यहाँ नहीं आया है, कह दो भेजें लोग। कह दो वहां नाप ले, फिर यही आएगा। उसका नंबर ले लो वर्दी वाले का। अगला क्वेश्चन है 20.1 मिनट, कुछ दब गया लग रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 20.4 प्रति किलो की दर से मिलने वाले गेहूं और 25.5 प्रति किलो की दर से मिलने वाले गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 23.8 रुपए प्रति किलो हो। इन व्हाट रेशियो शुड वीट ऑफ 20.4 केजी बी मिक्स्ड विद वीट एट रुपीज 25.5 पर केजी सो दैट द मिक्सचर कॉस्ट इज 23.8 पर केजी। तो क्या करना होता है, जो एवरेज वाला होता है उसको हम लिख लेंगे कहाँ। हाँ, अभी बाद में जाऊंगा, बहुत भीड़ होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20.4 को पहले लिखेंगे और 25.5 को बाद में लिखेंगे। अब 255 में से मान लीजिए दशमलव हटा के किया जाए, 255 में से 38 घटाएंगे, हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 17। 238 में से 204 घटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 34। तो 17 से एक बार, 17 से दो बार हमने क्या किया, दशमलव हटा के। अगर मान लो दशमलव नहीं हटाते तो 1.7 और 3.4 आता, तो हमारा रेशियो क्या आ जाता, 1:2 का रेशियो आ जाता। नेक्स्ट करें, यदि घन का आयतन 1331, एक मिनट में इसको रेट कर लेता हूं, 1331 घन सेंटीमीटर है, तो घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 1331 क्यूब सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका क्यूब रूट लेंगे, ठीक है, क्यूब रूट। तो 1331 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब अगर घन का आपका भुजा पता है तो घन का विकर्ण का फार्मूला लगा देंगे, यानी भुजा रूट 3, तो क्या हो जाएगा हमारा, 11 कर्णी में 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करें, यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत क्या है। इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल्स व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, मान लीजिए हमारा पहले विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो है 100 है, दोगुना करने का मतलब अब हमारा सेलिंग प्राइस SP1A है और ASP2 कितना, 200। हाँ, अब क्या कह रहा है, लाभ 3 गुना हो गया, मान लो पहले X रुपए का लाभ होता था, अब 3X का लाभ होता है। कब 3X का लाभ कब होता है, जब 100 रुपए से आप 200 रुपए करते हैं, तो यानी लाभ हमारा कितना बढ़ा, लाभ में अंतर क्या है, 3X में से X घटाएंगे, और पहले वो वस्तु 100 रुपए में बिकती थी, अब 200 रुपए में बिकती है, तो 200 में 100 माइनस करेंगे, तो यहाँ से X का वैल्यू आ जाएगा 2X बराबर 100, 2 से 50। अब देखिए X का वैल्यू क्या आया, 50 आया। पहले प्रॉफिट कितना होता था, एक्स का, यानी क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालने के लिए हम विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट घटा देंगे, यानी हमारा आ जाएगा 50।
अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो रहा है, एक्स रुपए खो रहा है पहले 50 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा कितना है 50 और गुणे 100, 50 से 50 कट गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, एक पुरुष एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और एक महिला उसी काम को 10 दिनों में, यदि वह उस पर 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो महिला शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगे। ए मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज एंड ए वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज, इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 5 डेज देन इन हाउ मेनी डेज विल द वुमेन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो देखिए मेल 20 फीमेल 10 दिन, यदि वह उस पर 5 दिनों तक एक साथ, तो दोनों का एलसीएम लेंगे 20 एक और यहाँ पे 2, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा 5 दिनों तक एक साथ करते हैं तो एक दिन का काम दोनों का एक साथ कितना हो जाएगा 2+1 यानी कि 3 और 5 दिन में कितना काम हो जाएगा 15 काम ये लोग कर लेंगे, काम कितना बचेगा 20 में से 15 माइनस कर देंगे 5 काम बचा। अब क्या कर रहा है शेष कार्य, तो हमारा शेष कार्य कितना है 5 यूनिट, कौन करेगा महिला करेगी, तो महिला का एक दिन का काम कितना है 2, उसी से भाग दे देंगे यानी हमारा आंसर आ जाएगा 5/2। कह रहा है एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% दान पर खर्च करता है, एक विशेष महीने में परिवार ने दान पर 1200 रुपए खर्च किए, उस महीने में परिवार की आय क्या है। ए फैमिली स्पेंड्स 8% ऑफ इट्स मंथली इनकम ऑन चैरिटी इन ए पर्टिकुलर मंथ, द फैमिली स्पेंड 1200 ऑन चैरिटी, व्हाट इज द इनकम ऑफ द फैमिली इन दैट मंथ। तो देखो 8% का वैल्यू क्या है 1200 रुपए है, तो 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा 1200/8, हमें लेकिन क्या बताना है परिवार की आय बताना है यानी आपको 100% का वैल्यू बताना है, तो 8 से कट करेंगे 1200 को 150 बार, 150 का गुणा 100 में करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 15000। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो, हमारा प्रयास सही अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें, थैंक यू।